Hello everyone, I am Chandraman Pundit, Java Android Developer and Trainer. 30 Day of Code Challenge की इस वीडियो सीरीज में आज ही हमारी डे 6 की वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है लेट्स रिव्यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारे पास सैंपल इनपुट दिया गया होगा, तो पहली लाइन में हमें नंबर लेना है, एक नंबर जो बताएगा कि हमें टोटल कितनी स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम दो लेते हैं, मतलब अगर इनपुट दो आया तो इसका मतलब है हमें दो स्ट्रिंग इनपुट करानी होंगी। अगर हम तीन डालेंगे तो मतलब तीन इनपुट स्ट्रिंग वहां पर हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। आउटपुट कुछ ऐसा आएगा जैसा आप देख पा रहे हैं। तो करना क्या है इसके अंदर, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास हैकर है, तो हैकर का जो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें हमें अलग अलग करना है। तो जैसे कि एच सी और ई, ये हमारे ऑड प्लेसेस पे जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें हमने अलग किया। स्पेस देखे, जो भी इवन प्लेसेस पे जो कैरेक्टर्स होंगे जैसे ए के और आर, स्पेस देके फिर ये प्रिंट होना चाहिए। सेम हमारे पास रैंक के लिए होगा, आर एन जो कि हमारे ऑड प्लेसेस हैं, स्पेस ए के जो कि हमारे इवन प्लेसेस हैं। तो मतलब इवन और ऑड प्लेसेस वाले कैरेक्टर्स को हमें अलग करना है। तो इसे सॉल्व करने से पहले चलिए एक बार हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, एरे का कंसेप्ट। तो मान लीजिए ये मेरे पास हैकर है, तो अगर मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा एच, ठीक है, अलग अलग। तो अगर हम बात करें एरे इंडेक्स की, तो इसका इंडेक्स एच का 0 होगा, ए का 1, सी का 2, 3 एंड 4, ऐसे करके आगे। अगर मैं बात करता हूँ इनकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे फिर हम, तो मैं अगर मान लीजिए हमने जो एक कैरेक्टर का जो हमने एरे लिया उसको हमने एस दिया, तो अगर मैं एस 0 लिखूंगा तो मतलब एच एक्सेस होगा, S1 लिखूंगा तो A एक्सेस होगा, S2 लिखूंगा तो C, मतलब ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरे। तो हम एक मेथड का यूज करेंगे स्ट्रिंग के, जो कि एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है, वो जब हम कोडिंग करेंगे तब देखेंगे। इसी प्रकार हमारे पास रैंक के लिए इंडेक्सेस होंगे और उसको सेम इसी तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। डे 6, लेट्स रिव्यू। हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, एक टास्क दिया गया है, एक नोट लिखा हुआ है, इनपुट फॉर्मेट है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ आउटपुट फॉर्मेट है, और जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट। तो चलिए सीधे कोडिंग पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जो कि हमें नहीं दिया गया है। हमारे पास सिर्फ एक मेन मेथड है और एक क्लास है जो कि नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, ताकि हम इनपुट ले सकें। तो हम लिखेंगे स्कैनर और उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हमें एक नंबर लेना है, कि हमें वो नंबर बताएगा कि हमें कितनी कैरेक्ट मतलब कितनी स्ट्रिंग्स को इनपुट में लेना है। तो उसको हम दे देंगे n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर देंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, जो कि इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब इंटीजर या डबल के बाद अगर हम किसी स्ट्रिंग को इनपुट लेना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से, तो वो कभी कभी उस चीज को स्किप कर देता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर जो स्लैश फॉर बैकवर्ड स्लैश एन होता है वो उसे रीड कर लेती है, वो हमारा नेक्स्ट लाइन मेथड, और जो हमारी नेक्स्ट इनपुट लेना होता है उसको ना लेके वो ब्लैंक को रीड कर लेता है। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग एरे, इसको नाम देंगे हम स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। इसके अंदर हम पास कर देंगे एन, मतलब ये साइज हो गया स्ट्रिंग एरे का, जो भी साइज होगा। इसके बाद हमें इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमने पहले इनपुट लिया था डिफाइन करने के लिए कि कितने मुझे स्ट्रिंग चाहिए। अब दूसरा, मुझे उतने स्ट्रिंग इनपुट में लेने हैं तो मुझे उसके लिए फोर लूप चलानी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा इंट i इक्वल्स टू जीरो, i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। इसके बाद हम लिखेंगे s array, इसका इंडेक्स इक्वल sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये हमारा कोड इनपुट के लिए कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब आउटपुट के लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोर लूप चलाऊंगा, int i start with 0 एंड इसकी जो चलेगा लेस देन n तक एंड i प्लस प्लस। ये फोर लूप इसलिए है कि जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग
हैं उन सबको एक एक करके हम उस पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो भी स्ट्रिंग होगा हम उसे कैर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मतलब एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग एस एरे, उसका इंडेक्स जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डॉट। तो ये जो है एस एरे और आई, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, और जो भी स्ट्रिंग होगा उसे हमें कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है टू कैर एरे। ठीक है, तो ये एक एक करके सभी स्ट्रिंग्स को कैर एरे में कन्वर्ट करता रहेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इवन नंबर्स को अलग करना है। तो इवन नंबर के लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा इंट ई, इनिशियलाइज करेंगे 0 से 0, 2, 4, जो भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं उसके लिए। मैं 0 को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो ई शुड बी लेस देन एन नो ए आर आर डॉट लेंथ, जो मतलब एरे है करंट, उसकी जो भी लेंथ होगी उतना हमारा स्ट्रिंग चलना चाहिए। एंड ई प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब ये हमारा जो कोड हो गया ये ई को 2 2 करके इंक्रीमेंट। तो अगर ई 0 है फिर 2 फिर 4 फिर 6, मतलब इवन नंबर्स के लिए। तो उसके बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे। जो भी हमारा कैरेक्टर होगा इवन नंबर पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम लिखेंगे ए आर आर और जो भी हमारा इंडेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह पे हमें प्रिंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ये हमारा इवन प्लेसेस वाले प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद हमें बीच में एक स्पेस चाहिए होगा ऑड और इवन के बीच में। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया। इसके बाद हम कोड लिखते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर्स के लिए, जो भी ऑड नंबर्स होंगे। तो इंट ओ इनिशियलाइज विद 1 एंड ओ शुड बी लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। एंड ओ बी हमारा 2 करके मतलब 2 2 इंक्रीमेंट होगा। तो अगर पहले 1 है फिर 3 फिर 5, जो भी हमारे और प्लेसेस होंगे उनको एक्सेस करने के लिए। इसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट स्टेटमेंट अपनी, उसके अंदर हम पास कर देंगे इंडेक्स ओ। ठीक है, तो जब ये काम हो जाएगा हमारा जो करर एक पहला मान लीजिए पहले इंडेक्स में जो स्ट्रिंग थे जैसे हैकर था, तो ये पूरा कोड हैकर को सेपरेट कर देगा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगी, जो दूसरी स्ट्रिंग हमारी रैंक थी, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं रैंक थी दूसरी स्ट्रिंग, तो ये लूप दोबारा रन करेगी हमारी, ये लूप दोबारा जाएगी। तो जाएगी तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रिंग होगा जो रैंक होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे एलन, ताकि हमारा जो भी है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो प्रिंट होना। तो जो हैकर प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जब ऊपर जाएगा दोबारा से लूप, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देगा और जो रैंक होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ऐसे करके जितने भी इनपुट होंगे सारे हमारे एक्सेस हो जाएंगे। चलिए कोड को रन करके देखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हमारे आउटपुट से मैच कर रहा है। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। सो कॉन्ग्रेट्स, सो आई अर्न 2 स्टार्स, सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।